परतवाड़ा आगार की बस में मिला बम, BDDS में रेस्क्यू कर बचाया डेपो। स्थानीय परतवाड़ा के बस स्थानक पर शाम 4 बजे अचानक पुलिस दाखिल होने से सभी यात्री भयभीत हो गए। पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि परतवाड़ा बस स्थानक की बस का अपहरण कर उसमें बम प्लांट किया गया। इस बस को तत्काल बचाने के लिए पुलिस पहुंची। थानेदार संदीप चौहान दल बल के साथ घटना स्थल पर दाखिल हुए, जिन्होंने हेडक्वार्टर फोन कर इस वारदात की सूचना जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल को दी। अरे इकड़ फॉरेन्सिक ला कोण आहे चालक काढून साइडला लावून घ्या हॅलो तुम्ही हॅलो बेनोकर चला हॅलो थाना पोलीस विसर्जन पोलिशन परतवाड़ा के बस स्थानक पर दो महिलाओं का अचानक अपहरण हो जाता है और ये खबर तत्काल पुलिस के पास पहुंचने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद में पुलिस के साथ जो पथक पहुंचते हैं, यहां तक कि फॉरेंसिक लैब की पूरी टीम पहुंचती है,
स्वर्ण पदक पहुंचता है। इसी के साथ में परतवाड़ा के कर्तव्य दक्ष थानेदार संदीप चौहान यह तत्काल यहाँ पहुंचकर यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त और चाहिए इसलिए वरिष्ठों को फोन कर देता हूँ। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सातव यहाँ पर पहुँचते, पूरी टीम यहाँ पर पहुंचकर इस पूरे यहाँ पर जो बॉम्ब काम करती है उस बॉम्ब को निकालकर उसको इस पूरे परिस्थिति को यहाँ पर हैंडल करने का काम करती है। पुलिस अधीक्षक द्वारा यह जो प्रयास है मॉक ड्रिल का प्रयास निश्चित रूप से भविष्य के अंदर अगर कोई घटना यहाँ पर होती है परतवाड़ा के इस स्थानक पर तो पुलिस प्रशासन किस प्रकार कार्रवाई करे, पुलिस जवान पुलिस अधिकारी कैसे कार्रवाई करे, यह उनके पास में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और यही उदाहरण यहाँ पर अमरावती के पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगढ़ द्वारा यहाँ के एडिशनल SP सातव द्वारा यहाँ पर दिया गया है। आज परतवाड़ा येथे बस स्थानकावर जे अचानक मॉकड्रिल म्हणजे हल्ला झाला, एक अफवा शहरामध्ये झाली, काहीतरी परतवाडा शहरामध्ये झालं, काय आपला प्रतिक्रिया? परतवाडा बस स्टँड या ठिकाणी एका बसमध्ये 2 ते 3 हायजॅकर्सने एका महिलेला हायजॅक केलेलं होतं आणि या ठिकाणी ग्रेनेडचा वापर करून स्फोट घडवून आणलेले होते। त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन परतवाडाचे प्रभारी अधिकारी चव्हाण साहेब, या ठिकाणचे SDPO नवगिरे साहेब यांनी या ठिकाणी तात्काळ परिस्थिती हाताळलेली आहे। आम्ही RCP QRT चा वापर केलेला आहे, त्याचप्रमाणे आजूबाजूचे पोलीस स्टेशनचे सर्व अधिकारी अंमलदार यांना बोलावून या ठिकाणी परिस्थिती नियंत्रणात आणलेली आहे। जे जखमी होते त्यांना हॉस्पिटलला पाठवलेलं आहे आणि अशा प्रकारची ही मॉकड्रिल जी आहे हायजॅकर्स यांना ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशनला पाठवलेलं आहे। यशस्वीरित्या या ठिकाणी ही मॉकड्रिल संपन्न झालेली आहे। कुठेतरी या प्रकारचा हल्ला जेव्हा आजपर्यंत अमरावती जिल्ह्यामध्ये अशी कुठे घटना झाली का बघा, आजपर्यंत आपल्याला जेव्हा घटना मॉकड्रिल हे एक प्रात्यक्षिक आहे परंतु कुठेतरी असा विदर्भामध्ये घटना झाली आणि पोलिसांनी ती ताब्यात घेतली म्हणजे आटोक्यात आणली, कसं काही विषय झाला आहे का? नाही, अशा प्रकारची घटना या अगोदर अमरावती जिल्ह्यामध्ये घडलेली नाही आहे, परंतु अशी घटना घडू नये या अनुषंगाने पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य यांचे जे निर्देश आहेत SOP आहे त्याप्रमाणे आम्ही ही मॉकड्रिल कंडक्ट केलेली आहे आणि SOP प्रमाणे हे व्यवस्थितरित्या पार पडलेली आहे। शेवटचा प्रश्न, प्रात्यक्षिक आपण करतो आणि प्रात्यक्षिक मध्ये अचानक हल्ला होते, लोक म्हणजे यात्रेकरी घाबरतात, अचानक असं करताना कुठेतरी दुर्घटना होण्याची शक्यता आहे? नाही, त्याची आम्ही पूर्णतः सुरक्षितरित्या हे मॉकड्रिल कंडक्ट व्हावी यासाठी मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त मागण्यात आला होता। जे आम्ही इव्हॅक्युएशन ड्रिल आहे आणि लोकांना बाजूला करणं आहे, त्यांना सूचना देणं आहे, यासाठी सुद्धा एक प्लॅटफॉर्म तयार करून ठेवलेला होता आणि त्या अनुषंगानेच SOP चं पालन करून ही व्यवस्थितरित्या पार पडलेली आहे। सर, इसमें कौन कौन से बाकी कितने कर्मचारी अधिकारी सम्मिलित हुए? इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के थे, अग्निशमन दल के थे, फायर ब्रिगेड जो है, बाद में डॉक्टर की टीम थी, एम्बुलेंस थी, बाद में ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अमलदार थे और बाकी सभी पुलिस स्टेशन के जो स्टाफ और ऑफिसर्स थे वो सभी सम्मिलित थे। लगभग कितने अधिकारी कर्मचारी? इसमें लगभग SP साहब भी है, एडिशनल SP है, बाकी SDPO यहाँ के हैं, 8 पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स है, उनका स्टाफ 80 का स्टाफ है और पुलिस स्टेशन लोकल का जो परतवाड़ा का है उनके भी 40 से 50 कर्मचारी है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के भी अधिकारी थे। अब तक के यह जो मॉकड्रिल जिला ग्रामीण पुलिस द्वारा कहां कहां पर अब तक की थी? अब हमने अभी परतवाड़ा में 2 महीने पहले ही की थी, इसी बस स्टैंड पे की थी, अभी ये दूसरी बार है क्योंकि परतवाड़ा ये सेंसिटिव पुलिस स्टेशन है, यहां पे हिस्ट्री भी हम देखे जाए तो यहां पे कुछ घटना हो सकती है, इस अनुषंग से हमने ये परतवाड़ा में आयोजित की। सर, ये जो सेंसिटिव जो शब्द है परतवाड़ा से, ये ऐसा लगता है कि हट गया है करके, अब तो भी सेंसिटिव इस्तेमाल ना हो? नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ मॉकड्रिल लेते हैं, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा सिचुएशन है। निश्चित रूप से यहाँ पर परतवाड़ा के जो अधिकारी है वे कर्तव्य दक्ष है और वो किसी भी परिस्थिति के अंदर परतवाड़ा के अंदर किसी प्रकार की अशांति नहीं होने देंगे, ऐसा संदेश मॉकड्रिल के माध्यम से उन्होंने दिया है। मैं कैमरामैन अजय काकड़े के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज परतवाड़ा। तत्काल परतवाड़ा बस स्थानक पर श्वान पदक, बॉम्ब स्क्वाड, साथ ही फॉरेंसिक टीम के अलावा अतिरिक्त पुलिस बंदोबस्त दाखिल हुआ। पुलिस के एंटी बॉम्ब पथक ने बॉम्ब तलाश करते हुए तत्काल आरोपियों को हिरासत में लिया और 2 महिलाओं को बचाया। इस घटना में घायल हुए लोगों को प्रात्यक्षिक के अनुसार उपचार के लिए उपजिला अस्पताल में भेजा गया। यह मॉकड्रिल के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सातव के साथ उपविभागीय पुलिस अधिकारी नवगिरे, परतवाड़ा के थानेदार संदीप चौहान, अचलपुर के थानेदार अवतार सिंह चौहान के अलावा API PSI तथा पुलिसकर्मी तैनात रहे। इस पूरी घटना में मॉकड्रिल की बात नागरिकों को पता नहीं थी, इस दौरान कुछ देर के लिए भगदड़ का वातावरण हुआ, परंतु पुलिस की समय सूचकता से सभी को मॉकड्रिल की जानकारी देते हुए उन्हें उनके स्थान पर रोका गया। काय झालं, एकूणच परतवाडा हा बस स्थानक जे आहे ते एकूणच हादरलं आणि इथं पोलीस बंदोबस्त आणि पोलिसांना पाहून लोक जे आहे ते घाबरण्यासारखं चित्र आहे, काय आपल्या प्रतिक्रिया? मी इथे 5 वाजता इथे आलोय,
आणि बघतोय तर पोलिसांची वर्दी, काळ्या ड्रेस मधले सर्व लोक. आणि मला आज माझ्या मुलीच्या भेटीला अमरावतीला जायचं होतं, पण परतवाड्यात बघतोय तर कुठला आतंकवादी हमला झालाय, कसा झालाय मलाही कळलं नाही. मी डेपोत आलोय, पोलिसांनी अडवलंय, काय करावं काय नाही नेमकं काय झालं हे मला कळायला मार्गच नव्हता. पण जेव्हा खऱ्या अर्थानं जेव्हा इथं कळलंय, मला माहिती झालंय की इथं पोलिसांची एक कवायत चालू आहे, ती कवायत खऱ्या अर्थानं या शहरासाठी सुरक्षिततेची जी आहे. आणि शहर हे शहर एक बारूद की निगारे पे रखा हुआ ये शहर है, ऐसा लोग बोलते हैं. पुलिस की जो जो कार्रवाई है, जो पुलिस जो मॉकड्रिल कर रहे हैं, ये लोगों को भी लोगों के सुरक्षा के हिसाब से अच्छी, ये मुझे लगा है, अच्छा लगा है. आणि खऱ्या अर्थानं मला असं वाटतंय पोलिसांनी जी आजची जी मॉकड्रिल केली, जी कवायत केली, ही कवायत खऱ्या अर्थानं त्यांच्या एकूणच किमयातली आणि लोकांच्या सुरक्षेसाठी ही महत्त्वाची ठरते. परतवाड़ा के बस स्थानक पर बस हाईजैक कर उसमें विस्फोटक वस्तु रख यात्रियों को बंदी बनाने की खबर जिस दौरान मिली, उस समय जिला ग्रामीण के एसपी विनाश बारगढ़ परतवाड़ा थाने में तैनात थे, जिन्होंने दल बल को मिनटों में परतवाड़ा डिपो भेजा और इस अनहोनी को पर काबू पाया. समय सूचकता का परिचय देते हुए पुलिस टीम ने महिला पुलिसकर्मियों ने यात्रियों को शेड में सुरक्षित रखा और सभी यात्रियों को आगार से जाने के लिए प्रतिबंधित किया. इस पूरी घटना को लेकर शहर में तरह तरह की अफवाहों का बाजार गर्म रहा, परंतु कुछ देर के बाद सोशल मीडिया पर यह खबर मॉकड्रिल की होने की आने के बाद इस खबर की पुष्टि हुई. मैं नितेश किलेदार, सिटी न्यूज़, परतवाड़ा.